तत्पर रहते हैं जम्मू के लिए और जम्मू वासियों के लिए और देश के लिए। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेन जो हमारा जम्मू शहर स्मार्ट होने जा रहा है, तो स्मार्ट सिटी में 900 करोड़ के लगभग काम जो लगे हुए हैं, कई कंप्लीट हो गए हैं, कई चल रहे हैं, कई आगे जिनके टेंडर हो गए हैं, शुरू होने वाले हैं। जम्मू की जनता जानना चाहती है कि क्या क्या काम स्मार्ट सिटी में हो रहे हैं। हम जब जाते हैं कहीं ना कहीं मीटिंग में तो जो पूछते हैं लोग हमें, तो मैंने यही सोचा हम सब चेयरमैन बैठ के एक बार जम्मू की जनता को जितने स्मार्ट सिटी में काम हो गए हैं, जो हो रहे हैं, उसके बारे में अवगत कराएं। जम्मू स्मार्ट सिटी में सबसे पहला काम जो एक हमारा सपना था कि तवी रिवर फ्रंट कब बनेगा, तवी रिवर फ्रंट, ये आपके मीडिया के माध्यम से आपको भी ये जानकर खुशी होगी, आप लोग कवर भी करते हैं कि तवी रिवर फ्रंट भगवती चौक से लेके विक्रम चौक तक उसका जो पहला फेज है वो काम शुरू हो गया। बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है, लगभग 150 करोड़ का काम है, 150 करोड़ का, और बहुत जल्द वो 18 महीने उसका कम्प्लीशन टाइम है। मुझे आशा है कि उस टाइम से भी जल्दी बनेगा जिस तरह का काम शुरू हुआ है वो दोनों साइड पे। पर ये तवी रिवर फ्रंट जो समरावती जो अहमदाबाद में बना है उससे बहुत थोड़े टाइम बेटर बन रहा है। जब वो बना था वहाँ पोल्यूशन का ध्यान नहीं रखा गया था। हमने ये जो हमारा जो DPR बना है इसमें पूरे जो तवी रिवर फ्रंट बनने के बाद 350 करोड़ जमीन हमें बच रही है। उस जमीन में हम अलग अलग पार्क बनाएंगे, अलग होटल बनेंगे, वेलनेस बनेंगे और तरह तरह के वहाँ एक्टिविटीज़ जो होंगी वो होंगी, फाउंटेन लगेंगे। एक अपने आप में इतना सुंदर तवी रिवर फ्रंट और इसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल लेक भी हमारा सपना था जम्मू वासियों का। नहीं लेक तो बननी नहीं, लेक तो होना ही नहीं। तो जो लेक का काम पहले 70-80% हुआ था, जो काम 20% बचा था उसके ऊपर भी काम टेंडर हो गया है, बहुत जल्द काम वो भी शुरू होने वाला है। और बराबर ये दोनों, इधर लेक कंप्लीट हो गई, इधर हमारा तवी रिवर फ्रंट होगा। अगर मैं बात करूं कि बाकी काम के, ये जो हमारे तवी के चारों पुल हैं, आने वाले समय में आप देखोगे और एक दो महीने के अंदर, लंबा टाइम नहीं है, कंप्लीट हो रहे हैं। और ये रात को जिस तरह हमारा बहु फोड़ आज चमक रहा है लाइटों के साथ, इसी तरह चारों पुल और इसका पाँचवा वो सिद्रा वाला पुल भी हमने उसको इंक्लूड करवा लिया है। पाँचों पुल हमारे तवी के फर्स्ट क्लास लाइटों में नहाते हुए आपको नजर आएंगे। एक एक लग से जब नीचे झील होगी, ऊपर तवी रिवर फ्रंट होगा, ये अपने आप में एक अद्भुत वो नज़ारा होगा। इसके साथ जिस तरह बहु फोड़ा चमक रहा है, इसी तरह आने वाले समय में हमारे मुबारक मंडी में भी काम लगा है। पूरी जो हेरिटेज हमारी मुबारक मंडी है वो भी लाइटों के साथ चमकती हुई, हम एक ही वहाँ वाटरफॉल था, 3 वाटरफॉल हैं वहाँ, 25 कनाल उसको और एक्सटेंड किया गया है। वहाँ ओपन थिएटर बन गया है, लगभग 300 लोगों को बैठने की जगह। हमारा जो कल्चर है, लेकिन डोगरा कल्चर है, उसको रोज़ वहाँ कोई ना कोई काम होगा, अपने कल्चर एक्टिविटी होगी। और साथ में जो फाउंटेन लगा है उसके अंदर, ये एक अपने आप में नॉर्थ इंडिया में एक अपने किस्म का फाउंटेन है। बाहर भी जो फाउंटेन लगे हैं, मैं जब दुबई की बात करूँ वो सिर्फ म्यूजिकल फाउंटेन है, ये म्यूजिकल एंड डांसिंग फाउंटेन ये फाउंटेन है। और ये 200 मीटर ऊंचा, 200 फुट हाइट पर जाता है। और पूरी जो हमारा जम्मू है, हमारा कल्चर है, ये जम्मू बसा कैसे है उसके ऊपर पूरा उसकी हेरिटेज स्टोरी है। इसी तरह आने वाले समय में बहु फोर्ट के साथ ही हम जो बहु फोर्ट हमारा चमक रहा है, उसी दीवार को आपको लाइट एंड साउंड शो, उसका भी टेंडर हो गया, वो भी बहुत जल्द काम उसका भी शुरू होने वाला है। दोनों चीज़ें जो साथ साथ चलेंगे। अगर मैं बहु फोर्ट के आसपास ही अगर बात करूँ तो हर की पौड़ी जो हमारी है उसको भी हमने वहाँ से गेट से लेकर वहाँ तक 1 करोड़ रुपया सेंक्शन कर दिया है। हर की पौड़ी भी आने वाले समय में वो भी लैंडस्केपिंग, खूबसूरत पार्क, बहुत बढ़िया चीज़ बनने जा रही है। जो गोरखा नगर है हमारा बहु फोर्ट, ये पुराने जो नहर है इसको भी हम लोग स्मार्ट कर रहे हैं। बलिदान स्तंभ को भी हम लोग स्मार्ट कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत। और बड़ी बात है कि जम्मू में जो मंदिर है, लगभग जो प्राचीन मंदिर है, 8-10 मंदिरों को भी हमने स्मार्ट सिटी में डाला है। चाहे वो गदाधर मंदिर है, जो मंदिर है रात मंदिर है, या ऊपर और मंदिर है, ये भी स्पेशल मैंने बात की थी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं नथेश्वर जी, उनसे, उन्होंने इन मंदिरों को भी किया इंक्लूड किया है। अगर मैं बात करूं रिजेंसी रोड की, वो भी स्मार्ट होने जा रही है अपने आप में। पिक एंड ड्राइव सिस्टम रहेगा, कुछ पार्किंग रहेगी। उल्लास बाजार स्मार्ट हो रहा है, ओल्ड सिटी सारा जैन बाजार स्मार्ट हो रहा है। उसके साथ साथ और भी जो एरिया है वहाँ 1-24 करोड़ की पार्किंग बन रही है 35 के अंदर, वो कम्पलीशन की तरफ चल रही है। और जम्मू वासियों के लिए और ओल्ड सिटी के लिए एक मार्क बात और है कि हाथा पुंछ में एक पार्किंग, वो भी स्मार्ट सिटी के तहत, उसका भी टेंडर होने जा रहा है। और हमारी जो मुबारक मंडी के 66 करोड़ से काम हो रहे हैं, और भी पैसा सेंक्शन हो रहा है। मुझे लगता है कि PP मोड पर भी वहाँ शायद कोई आने वाले समय में होटल या उसको और प्रिजर्व किया जाए,
और इसका जो एग्जैक्ट है इसको भी उधर नई सड़क की ओर आम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ में